एमियंस मॉल के ग्राउंड लेवल के ऊपर ही है। ये एक बहुत ही रियोन्ड बेकरी है जिसका नाम है पॉल बेकरी। दिस इज पॉल। देखिए क्या सजावट है, ब्यूटीफुल। लुक एट दिस केक, वेरी नाइस। बहुत मेहनत वाला काम और बहुत ही खूबसूरत तरीके से अंजाम दिया हुआ। यहाँ हर जगह के आपको नेशनल इंटरनेशनल चीज़ें मिल जाएंगी। इनकी ब्रेड्स जो हैं वो बड़ी स्पेशलिटी ब्रेड्स होती हैं। दिस इज कोक मजा, हॉट डॉग्स, सैंडविचेस एंड कीश। हाइजीन का और नीट एंड क्लीननेस का बहुत ख्याल रखा हुआ है इन्होंने। इट्स अ गुड रिलैक्सेशन पॉइंट। Hi, how are you doing? Can we meet Mr. Charles, please? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ मिस्टर चार्ल्स की यहाँ की स्पेशलिटी क्या है, आप हमारे व्यूअर्स को कुछ बताना चाहेंगे इसके बारे में? स्पेशलिटी बेसिकली हमारी ये ब्रेड्स हैं यहाँ पे, जो हम लोग ब्रेड्स बेचते हैं। अच्छा, ब्रेड्स हैं और हमारे ब्यूटीफुल डेजर्ट्स, वेरी नाइस। देन वी हैव अ ब्यूटीफुल रेस्टोरेंट। हाँ जी, वी हैव वी सर्व इटालियन कुजीन, लाइक वी हैव अ पास्ता, पिज़्ज़ा, बर्गर्स। हाँ जी, मोस्ट ऑफ द थिंग्स दैट वी आर सर्विंग हियर, लाइक अ मेन कोर्स, फोर ब्यूटीफुल मेन कोर्स। ओके, एंड आई हैव आल्सो हर्ड कि आपका यहाँ पे वुड फायर्ड पिज्जा नहीं है, आपका जो सिस्टम है वो दूसरा है पिज्जा बनाने का, जिसके अंदर इतना अच्छा। बेसिकली जो वुड फायर्ड होता है वो अदर बेकरी शॉप करते हैं, बट नॉट हियर। अच्छा, तो लेकिन हमारा पिज्जा जो होता है दैट वी आर सर्विंग नेपोलिटाना पिज्जा। अच्छा, दैट्स अ हैंड टोस्ट पिज्जा, इट्स अ ड्रिपिंग पिज्जा दैट वी आर सर्विंग। एंड वो किस चीज में आप बनाते हैं उसको? दैट्स अ इलेक्ट्रिक ओवन दैट वी हैव। अच्छा, इलेक्ट्रिक ओवन के अंदर बनाते हैं आप? बेसिकली इलेक्ट्रिक, इट्स अ वुडन ओनली। अच्छा, वुडन ही है, बेस होता है वो हमारा वुडन, लेकिन हम उसको वुड फायर एग्जैक्टली नहीं बोलते, एग्जैक्टली नहीं बोल सकते, लेकिन वो होता उसी की कंपैरिजन में है। और मैं यहाँ पर देख रहा हूँ कि आपके यहाँ पे पेस्ट्रीज और ब्रेड्स के अंदर भाई बड़ी मेहनत वाला काम है ये, और ये आपका अलग अलग देशों का, जैसे मैं ये देखता हूँ कि आपने हुमस ब्रेड भी यहाँ पे रखी हुई है, डेट बिलोंग्स टू मिडिल ईस्ट, और यहाँ पे आपकी फ्रेंच चीज़ें भी हैं, तो इतनी डाइवर्सिटी फूड में। बेसिकली ये फ्रेंच ही है। अच्छा, लेकिन जो गेस्ट हैं हम लोग गेस्ट रिक्वायरमेंट के हिसाब से चलते हैं। इट्स एन ऑथेंटिक फ्रेंच बेकरी, जो कि हम लोग जो भी डेजर्ट्स आपको मिलेंगे ये सारे के सारे फ्रांस से ही होंगे। अच्छा, और जो भी हम लोग फूड इंट्रोड्यूस करते हैं वो बेसिकली अप्रूवल हमारे को फ्रांस से ही आता है। वेरी नाइस। उसको पहले फ्रांस में भेजते हैं, वो टेस्ट करते हैं। रियली? दिस आई डिडंट नो। नो, हम लोग पहले उसको फ्रांस भेजते हैं। अच्छा, उसके बाद वहाँ से वो लोग टेस्ट करते हैं, then they give the approval, then only we can display that. तो देखिए ये एक बहुत ही बात ऐसी है जो मुझे भी नहीं पता थी कि पहले इनका फ्रांस में जाके चीज़ अप्रूव होती है और उसके बाद यहाँ पर आकर वो अपने ग्राहकों को सर्व करने की उनको इजाज़त मिलती है, तब वो उस टेस्ट को आप तक पहुँचाते हैं। कि अगर आपको फ्रेंच कुजींस या फ्रेंच पेस्ट्रीज और फ्रेंच ब्रेड्स अगर आपको ट्राई करनी है, दिस इज़ द वन स्टॉप वेयर यू कैन हैव द ऑथेंटिसिटी ऑफ टेस्ट, दैट्स राइट। हाँ जी, क्योंकि हमारा जो किचन है बेसिकली वो गुड़गांव में है, वो ही हमारे दोनों जगह का बनाता है। अच्छा, वो गुड़गांव से आता है। एग्जैक्टली, और डेली बेसिस के लिए हम लोग फ्रेश ब्रेड बेक्स करते हैं, और जो भी डेजर्ट्स वगैरह हैं आप देख रहे हो, हम लोग चॉकलेट्स भी हैं दैट वी आर यूजिंग, कैलुगु चॉकलेट्स, जैसे हाई एंड चॉकलेट। ओह ओके, तो थैंक यू मिस्टर चार्ल्स, आप बहुत बिजी हैं, एंड थैंक यू फॉर योर टाइम। जैसा कि आप देख सकते हैं कि अब हमारी मिस्टर चार्ल्स से बात हो चुकी हुई है, और उन्होंने एक बहुत बढ़िया बात बताई कि सारा फ्रांस से में अपनी रेसिपी भेजकर ये वहाँ से अप्रूवल लेकर आप लोगों तक चीज़ पहुँचाते हैं, तो हम लोग भी इनका ट्राई करते हैं और फिर आपको बताते हैं कि इनका कैसा रहा।
आप शौक रखते हैं तो यहाँ पर आपको सारे इम्पोर्टेड लिकर्स और विस्कीज एंड स्कॉच कॉन्याक्स ये सब मिल जाएंगी। ये है वन ऑफ माय फेवरेट टैंकरी कलवा लिकर मेकर्स मार्क, काफ़ी अच्छी वैरायटी है इनके पास। हमारी कॉफ़ी आ चुकी हुई है, मैंने यहाँ पर ब्लैक कॉफ़ी मंगवाई है अमेरिकानो, क्योंकि मैं ज़रा दूध वाली कॉफ़ी कम पीता हूँ, और इन्होंने इसके साथ बड़ा ही अच्छा, ये देखिए इन्होंने शुगर कुकी दिया, और ये शुगर कुकी बहुत ही स्वाद होता है। ये यहाँ से मैं कई बार पैक करा कर भी ले जाता हूँ, और अगर आप इसको घर ले जाके गर्म करके खाएंगे माइक्रोवेव में तो आपको भी बहुत मज़ा आएगा। वेरी रिलैक्सिंग, ये लवाजा कॉफ़ी बीन्स यूज़ करते हैं और बहुत ही बढ़िया कॉफ़ी बनाई हुई है। हमने जो ऑर्डर मंगवाया था वो आ चुका हुआ है, अब हम मिस्टर सागर से पूछेंगे कि इसकी स्पेशलिटी क्या है। तो मिस्टर सागर, आप हमारे व्यूअर्स को कुछ बताएंगे कि ये क्या है। ये है हमारा बेबी चिकन। ओके। इसमें थाई पार्ट होता है। अच्छा। ब्रेस्ट पार्ट होता है, इसमें बेबी एक चिकन होता है हाफ। हाँ जी। उसका इसमें बेल पेपर होते हैं। अच्छा। बेल पेपर को सौते करते हैं हम, रेड बेल पेपर और येलो बेल पेपर को, एंड देन इसमें सैलेड होता है हमारा विद हमारी ओन ड्रेसिंग होती है हमारी सीटर्स ड्रेसिंग, उसमें हम सैलेड डालते हैं एंड टमाटो को कैसे होते हैं। वेरी नाइस। इसमें पोटैटो एंड स्पिनिच का एक मिक्सचर बना के हम सर्व करते हैं इसके साथ, एंड देन इसका बॉटलेस सॉस होती है तो रेड वाइन कंटेन करती है सॉस के अंदर, रेड वाइन के साथ टेक्सचर देके बॉटलेस सॉस को प्रिपेयर किया जाता है। भाई बहुत मेहनत है, और ये तो इट इज साउंडिंग सो डिलीशियस कि मेरे से तो रुका ही नहीं जा रहा। बहरहाल सागर जी से इसके बारे में भी पूछते हैं, इसके बारे में आप क्या बताना चाहेंगे। बेसिकली नॉर्मल हमारी गार्लिक सॉस में बनता है। अच्छा। नो वाइट सॉस, नो रेड सॉस, तो वहाँ पर एक गार्लिक सॉस मेरे को सौते करते हैं बहुत अच्छे शेफ, इसके अंदर ऑल वेजेज डाल रहे हैं, बेल पेपर, अनियन, जुकिनी, ऑलिव, ये सब देख रहे हैं यहाँ पे, पेपर, मशरूम, ऑलिव, देयर लॉट्स ऑफ वेजेस, ब्यूटीफुल, विद टॉप वी आर सर्विंग विद द पार्मेसन एंड द पार्सले, ओके, एंड साइड ऑन वी आर सर्विंग विद द गार्लिक ब्रेड। देखिए अब आपको सागर जी ने बताया कि इसके अंदर कितनी मेहनत की हुई और कितनी चीजें देखने में चाहिए इतनी कॉम्प्लिकेटेड नहीं लगती, लेकिन बहुत कॉम्प्लेक्स तरीके से इन्होंने इतनी अच्छी मिक्सिंग करके इसको बनाया, तो अब इसको खाकर आप लोगों को बताते हैं कि कैसा लगा। थैंक यू मिस्टर सागर। दिस इज सो टेस्टी के वर्ड्स जो है वो आई एम आउट ऑफ वर्ड्स कि मैं आपको कैसे एक्सप्लेन करूँ। ये खाने में बहुत फ्लेवरफुल है और बहुत सिंपल है, लेकिन एट द सेम टाइम बहुत कॉम्प्लेक्स भी है। इसके अंदर बहुत ही अच्छे अच्छे फ्लेवर्स आ रहे हैं, एंड आई थिंक यू हैव टू कम हेयर टू टेस्ट इट। ये वाकई में बहुत ऑथेंटिक फ्रेंच है, इट्स वेरी नाइस, एक्सीलेंट।
मैं सैलेड भी इनका टेस्ट करके बताता हूँ आपको। इनके बहुत स्मोकीनेस है और ख़ासकर जो इन्होंने ये जो डिप दिया है, ज़रा इस डिप को दिखाएंगे। ये वाला जो डिप दिया है इसने चिकन के ऊपर, जैसे मैंने इसको स्प्रेड किया तो एकदम चिकन के टेस्ट का लेवल ही एकदम बदल गया। इसके अंदर इन्होंने जो ड्राई हर्ब्स डाले उसका तो स्वाद आ ही रहा है। चिकन अपने आप में इतना ज़्यादा टेंडर और जूसी है कि वो मुंह में जाकर उसका एकदम ब्लास्ट ऑफ फ्लेवर्स आता है। इट इज़ सो नाइस एंड इन्होंने चिकन जो यूज़ किया हुआ है इट इज़ सो फ्रेश और इट इज़ वेरी वेल कुक्ड एंड प्रिपेयर्ड। और मैं ये देख रहा हूँ कि इन्होंने विथ स्किन वाला, इन्होंने होल चिकन यूज़ किया हुआ है और इस डिश के साथ इन्होंने यहाँ पर ड्राई हर्ब्स भी रखे हुए हैं अगर आप इनको इसके साथ मिलाकर खाना चाहे तो। एंड यहाँ पर आपको ये मस्टर्ड सॉस देते हैं और साथ में ये भी देते हैं, अपनी अपनी चॉइस है। मुझे तो ये वाली चीज़ एज इट इज़ पसंद है तो मैंने तो इसके अंदर कोई ड्राई हर्ब्स नहीं मिलाए, मुझे तो ऐसे ही ये बहुत फ्लेवरफुल लग रहा है। तो लेकिन आपकी अपनी चॉइस है, अगर आप इन दोनों के साथ भी मिक्स करके खाना चाहे तो आप खा सकते हैं। मैंने इसको अच्छी तरह से मिला लिया है सो डैट कि इसके सारे फ्लेवर्स आपस में वो हो जाएं और फिर मैं आपको बताता हूँ। मुझे लग रहा है मैं जहाँ तक देख पा रहा हूँ कि बड़ा कलरफुल है और इसके अंदर फ्रेश इन्होंने चेरी टमेटोज़ यूज़ किए हुए हैं और जो है साथ में इन्होंने ये ब्रेड दी है जो कि टोस्टेड है और मेरे को मुझे लगता है इसके ऊपर इन्होंने बटर लगाया हुआ है एंड इट इज़ वेरी वेल टोस्टेड एंड सो लेट्स ट्राई दिस। और इसमें मशरूम्स हैं और बेल पेपर्स है, गुड। सो लेट मी ट्राई द ब्रेड नाउ। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इसके ऊपर बटर इन्होंने लगाया हुआ है और क्योंकि ये दोनों ही के अंदर ही गार्लिक है तो ब्रेड के ऊपर भी गार्लिक का बहुत अच्छा फ्लेवर आ रहा है। मुझे लगता है इन्होंने जो है बटर के अंदर ही कुछ गार्लिक को करके, क्योंकि इसमें मेरे को ऐसे गार्लिक दिखाई नहीं दे रहा, आई थिंक इट इज़ द फ्लेवर ऑफ द बटर विद गार्लिक जो कि इसके अंदर आ रहा है और इसमें भी गार्लिक का पूरा फ्लेवर आ रहा है। लेकिन इसके अंदर और भी बहुत सारे सबल फ्लेवर्स आ रहे हैं जो कि बहुत ही स्वाद हैं और आपको, मुझे लगता है कि आपको बहुत पसंद, क्योंकि मुझे तो ये बहुत पसंद आया। स्मोकी फ्लेवर, वेरी एरोमेटिक, वेरी फ्रेश एंड वेरी टेस्टी। इसके अंदर जो फ्रेश बेल पेपर्स इन्होंने डाले और जो मशरूम डाले उसका बहुत ही अच्छा स्वाद आ रहा है और नीचे इनके जो है ये अगर आप देख सकते होंगे तो इनका चिली ऑयल है जो कि बड़ा ही फ्लेवरफुल और बहुत डिफरेंट तरीके का इसका टेस्ट आ रहा है मुंह में। इट्स रियली गुड। हम अपना पहला ऑर्डर खा चुके हुए हैं और वो इतना ज़्यादा स्वाद और इतना एरोमेटिक था कि मुझे ऐसा लगा कि मैं जो यहाँ पर आके जो मेरा फेवरेट है वो है यहाँ का बुराटा पिज़्ज़ा। और हर बार जब भी मैं आता हूँ यहाँ खाता हूँ तो मैं चाहता था कि मैं आप लोगों को भी इस चीज़ से इंट्रोड्यूस करूँ कि ये बहुत ही स्वाद पिज़्ज़ा है। आप ज़रा देखिए इसका वाइब्रेंट कलर्स को, कैन यू प्लीज़ शो द, ये देखिए इसके अंदर इटली के सारे वाइब्रेंट कलर्स हैं। आप देख सकते हैं कि इसके अंदर ये बेसिल है, ये बुराटा है और मोज़रेला कहीं कहीं है इनका। और इनकी ये ब्रेड देखिए कितनी अच्छी तरह से वेल बेक्ड है एंड लुक एट द वाइब्रेंट कलर्स। इसके अंदर चेरी टोमेटो है आपके पास और कहीं कहीं इन्होंने अनियंस डाले हुए हैं एंड यू कैन सी ऑल द ग्रीन हर्ब्स ऑन बुराटा, जो ड्राई हर्ब्स इन्होंने डाले हुए हैं। इसका टेस्ट जो है वो बहुत ही बढ़िया होता है और मैं वैसे अभी टेस्ट भी करता हूँ और आपको बताता हूँ कि कैसा है। पिज़्ज़ा खाने का अपना अपना स्टाइल है, मैं इसको बिल्कुल अपने स्टाइल से खाना पसंद करता हूँ। मैं हाथों से ज़्यादा पसंद करता हूँ इसको खाना और आपको मैं टेस्ट करके बताता हूँ। इट्स लाइक अ पोएट्री भाई, आओगे खाओगे तभी जानोगे क्योंकि इसका स्वाद ज़बान पे आते मज़ा आ गया। एक्चुअली में इनकी ब्रेड में बहुत ज़्यादा खासियत है, लोग ज़्यादातर पिज़्ज़ा के अंदर उसकी पिज़्ज़ा सॉस के बारे में बोलते हैं, चीज़ के बारे में बोलते हैं, लेकिन मैं कहूँगा कि जो इसकी ब्रेड है उसके अंदर इसका सारा, ये गेम चेंजर है ये ब्रेड। इतनी स्वाद है, इतनी क्रिस्पी है कि आप यहाँ पर आके इसको टेस्ट करोगे तो आप जानोगे कि मैं क्या कह रहा हूँ। लेकिन यहाँ पर आके खाना
और इसको टेस्ट करना बहुत ज़रूरी है इसके स्वाद को समझने के लिए। ये वो वाला कॉम्प्लेक्सिटी है जो लफ्ज़ों में बयां हो ही नहीं सकती। वेरी नाइस। हाँ, बीच का पिज्ज़ा तो छोड़ दो, मेरा बस चलो तो मैं सिर्फ ये करारे वाली ब्रेड ही खाता हूँ, मेरा पिज्ज़ा तो हो गया। दिस पुराठा इज़ वेरी वेरी फ्रेश और इतना अच्छा कॉम्प्लीमेंट कर रहा है इस पूरे पिज़्ज़े को कि आप इसको एक बार ज़रूर ट्राई करो। इस वक्त हम इनकी, आपको मैं बता दूं कि इनकी एक ब्रांच गुड़गांव में भी है, लेकिन इस वक्त हम एम्बियंस मॉल के अंदर वसंत कुंज के अंदर इनकी ग्राउंड फ्लोर वाली ब्रांच पे आए हुए हैं। ये ग्राउंड फ्लोर पे है रेस्टोरेंट और ये सब चीज़ें हमने वहीं पर ही ट्राई की हैं। तो इनकी कॉम्प्लेक्सिटी और इनकी ऑथेंटिसिटी ऑफ फ्रेंच ऑथेंटिसिटी और इवन इटालियन पिज़्ज़ा, इनका मैंने यहाँ पर एक सैंडविच भी ट्राई किया था जो हुमस सैंडविच है, बिल्कुल उसके अंदर मिडल ईस्ट के टेस्ट आ रहे थे, बहुत ही कॉम्प्लेक्स था और बड़ा ही स्वाद था। वो आज हमने ट्राई किया आप लोगों को दिखाने के लिए, लेकिन वो स्टॉक से ख़त्म हो चुका था। वो कहते हैं कि हमारा ये बहुत जल्दी सेल हो जाता है, लेकिन यू कैन ट्राई दिस, यू कैन ट्राई देयर सैंडविचेस, यू कैन ट्राई एनीथिंग। अभी तक सो फार हमने इनके काफ़ी अच्छे मेन्यू में से जो कुछ भी हमने थोड़ा बहुत ट्राई किया बहुत ही बढ़िया था और फैंटास्टिक, दैट्स व्हाट ऑल आई कैन से, डिलीशियस। देखो जी, जो ऑर्डर हमने मंगवाया था वो हम सारा खा चुके हैं, बहुत मज़ा आया, इट वाज वेरी फ्लेवरफुल। और मैंने बाहर भी फ्रेंच फूड खाया है, लेकिन यहाँ का जो फ्रेंच फूड है वो वहाँ से भी ज़्यादा स्वाद है। आई रियली रिकमेंड कि आप यहाँ पर आकर, क्योंकि कुछ ऐसी चीज़ें थी और इतनी कॉम्प्लेक्सिटी थी कि उसको लफ्ज़ों में बयां किया ही नहीं जा सकता, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो बयां की जा सकती हैं। जैसे कि मुझे याद आता है, कहा जा सकता है कि आज ज़िंदगी बैठ कहीं कुछ खाते पीते हैं, आखिर तू भी थक गई होगी मुझे भगाते भगाते। तो ये वो जगह है कि जहाँ पर आप आराम से आके रिलैक्स कर सकते हैं, एक कॉफ़ी पिएं, एक बहुत ही बढ़िया सैंडविच या पिज़्ज़ा या पास्ता खाएं और रिलैक्स करें। तो आज का हमारा ये वीडियो यहीं पर ही ख़त्म होता है। आई होप कि आप लोगों को ये पसंद आया होगा, और अगर आया होगा तो आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। तो अगली बार जल्दी मिलते हैं, बाय बाय।